नमस्कार मित्रों, मैं राजेश शुक्ला आपके YouTube चैनल एम चेंजर 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, वाच्य के अंतर्गत हम आज अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसको हमने आज तक आए हुए प्रश्नों को यहां पर संकलित किया हुआ है, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए, समय को ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सुनने का विषय, जानने का विषय, बोलने का विषय या समझाने का विषय? तो हमने यहाँ पे देख लिया था कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय। अतः विकल्प सी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हम सभी जानते हैं कि हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अतः विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, जहाँ कर्ता को प्रकट नहीं किया जाता वहाँ कौन सा वाच्य होता है? जहाँ पर कर्ता को प्रकट ना किया जाए वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं? तो हमने बताया था कि जहाँ पर कर्ता को ना प्रकट किया जाए वहाँ पर वाक्य की शुरुआत कर्म से हो जाती है। जैसे लिख दिया जाए, पुस्तक, पुस्तक पढ़ी गई। तो जब कर्ता को छिपा दिया गया तो शुरुआत किससे हो रही है? कर्म से हो रही है। अर्थात यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। जहाँ पर कर्ता प्रकट नहीं किया जाता वहाँ पर वाक्य की शुरुआत किससे होती है? कर्म से होती है। अतः विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ये हम सभी जानते हैं कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की। ध्यान रखिए, वाच्य के पहले जो लिखा रहे उसी की प्रधानता। अगर यहाँ कर्तृवाच्य होता तो कर्ता की प्रधानता, कर्म लिखा है तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता, यही भाव लिखा होता तो भाव की प्रधानता हो जाती। अतः विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, अकर्तृवाच्य कौन सा है? अकर्तृवाच्य कौन सा है? हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था कि अकर्तृवाच्य कहते किसे हैं, ठीक है। तो अकर्तृवाच्य जिसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों सम्मिलित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, अकर्तृवाच्य कहते हैं। हमने आपको बताया था कि अकर्तृवाच्य में क्या क्या आता है, कर्मवाच्य आता है और भाववाच्य आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, बच्चों ने चित्र नहीं बनाया, मजदूर पेड़ नहीं काटते। तो ध्यान रहे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो आइए वाक्य देखते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्रिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, ये कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है। बच्चों ने चित्र नहीं बनाया, अगर किसी संज्ञा के बाद परसर लग गया है तो हमेशा कर्तृवाच्य रहेगा। ये हमने पढ़ा था पीछे कि अगर संज्ञा के बाद परसर्ग लगा है तो वो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के बाद भी परसर्ग लगा है तो वो आपका क्या बन जाएगा, भाववाच्य बन जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा के बाद परसर्ग लगा है तो आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य हो जाएगा। मजदूर पेड़ नहीं काटते हैं, ठीक है, मजदूर पेड़ नहीं काटते हैं, क्रिया का प्रभाव मजदूर पे पड़ रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन बच्चों के द्वारा स्कूल जाया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। क्योंकि कर्मवाच्य बनाते समय हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया को भूतकाल में बदल देते हैं और क्रिया के बीच में जा जोड़ देते हैं, ये हम पढ़ते थे। अतः विकल्प बी का आपका अकर्तृवाच्य है, क्योंकि ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली, अध्यापक ने कक्षा में हिंदी की परीक्षा ली, कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या कोई नहीं? हमने बताया था अगर संज्ञा के बाद परसर्ग लग गया है तो निश्चित रूप से आपका क्या रह जाएगा, कर्तृवाच्य रह जाएगा। तो हम देख रहे हैं अध्यापक के बाद, संज्ञा अर्थात कर्ता के बाद ने परसर्ग लग गया है, तो अगर परसर्ग लग जाता है किसी के साथ तो आपका हमेशा क्या हो जाता है, वो कर्तृवाच्य हो जाता है। अतः विकल्प ए आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, मुकेश से पढ़ा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य या कोई नहीं? तो देखते हैं, मुकेश से पढ़ा नहीं जाता, ऐसी क्रियाएं जब आएँ तो आप सबसे पहले देखिए कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। तो पढ़ना हमें देखना है कि अकर्मक है कि सकर्मक है। अब सकर्मक की पहचान करने के लिए क्या और किसको प्रश्न करना है, हमने आपको बताया था कि सकर्मक की पहचान करने के लिए क्या और किसको प्रश्न करना है। अगर उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक है, अगर नहीं मिला तो अकर्मक है। क्या पढ़ता है, तो संभावित रूप में पुस्तक उत्तर मिल सकता है, ठीक है,
मुकेश क्या, मुकेश से पढ़ा नहीं जाता तो क्या पढ़ता है, हम पहले क्रिया की पहचान कर रहे हैं, तो क्या पढ़ सकता है, संभावित उत्तर पुस्तक मिल सकता है, अतः हमें ये पता चल रहा कि क्रिया क्या है, सकर्मक है, ठीक है। अब मुकेश से पढ़ा नहीं जाता, अब जो कर्मवाच्य होता है वो सकर्मक क्रिया से बनता है, जो भाववाच्य होता है वो अकर्मक क्रिया से बनता है। अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि अगर क्रिया सकर्मक है तो ये वाक्य आपका भाववाच्य नहीं हो सकता, अतः ये कैसा वाक्य है, आपका कर्मवाच्य का है, ठीक है। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो क्रिया है ये क्या है, सकर्मक है, और जब क्रिया सकर्मक होती है तो सदैव कौन सा वाच्य बनता है, कर्मवाच्य बनता है। अगर यहीं पर क्रिया अकर्मक होती तो कौन सा वाच्य बन जाता, भाववाच्य बन जाता। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। ध्यान रहे, अगर आपने इसके पहले की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपके लिए अभ्यास प्रश्न कठिन रहेगा, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो उम्मीद करते हैं आपको अभ्यास प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप जरूर से ज़रूर थ्योरी को ज़रूर पढ़िए वाच्य को, ताकि आप इसे आसानी से हल कर ले जाइए। देखते हैं प्रश्न, कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है, कर्मवाच्य में ढूंढना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बनता है, बस ये बात दिमाग में रखिए कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बनेगा, भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया से बनेगा, जबकि कर्तृवाच्य सदैव अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनता है। तो हमें कर्मवाच्य ढूंढना है। राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं जाता, किसानों द्वारा फल काट लिया गया है, बच्चे घर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, राम ने खाना खाया, हम देख रहे हैं संज्ञा के बाद परसर लग गया है, अगर संज्ञा के बाद परसर लग जाए तो सदैव कौन सा वाच्य, कर्तृवाच्य, हम यही पढ़े। दूसरा, धावकों से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है, धावकों से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्रिया है। अब हम ये देखते हैं कि अकर्मक है कि सकर्मक है, प्रश्न सिर्फ दो करने हैं, क्या और किसको, क्या दौड़ा नहीं पता चला हमें उत्तर में, किसको दौड़ा हमें उत्तर नहीं मिला। अब हमें इससे ये पता चल गया कि दौड़ना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अतः ये वाक्य कैसा हो गया, भाववाच्य हो गया, क्योंकि भाववाच्य सदैव अकर्मक क्रिया से बनती है। ये भी आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। बच्चे घर जा रहे हैं, इसमें क्रिया का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, ये कर्तृवाच्य होगा, ये भी गलत हो गया। जबकि किसानों द्वारा फसल काटा जा रहा है, कर्मवाच्य बनाते समय किसान संज्ञा के बाद हमेशा से या के द्वारा जोड़ देते हैं, जुड़ा है। अब काट लिया गया, अब काटना देखते हैं अकर्मक है सकर्मक है, क्या काट लिया गया, तो फसल काट लिया गया, हमें उत्तर मिल गया। तो ये हमें पता चल गया कि क्रिया सकर्मक है, अतः ये वाक्य कैसा है, आपका कर्मवाच्य का है, अतः विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न, किसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ, ध्यान रहे नहीं, तुरंत जहाँ नहीं रहे उसे सर्कल कर लीजिए। अब देखते हैं कर्तृवाच्य का प्रयोग, देखते हैं महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। अब महेश स्कूल से आ रहा है, सारा प्रभाव महेश पे पड़ रहा है, ये कर्तृवाच्य बन गया। जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तो आपका क्या होगा, कर्तृवाच्य। माली बगीचे में फूल तोड़ता है, फूल तोड़ने का काम माली कर रहा है, सारा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, माली पे पड़ रहा है, आपका ये कर्तृवाच्य हो गया। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, यहाँ पे सारा प्रभाव कुत्ते पर पड़ रहा था, ये भी कर्तृवाच्य हो गया। जबकि अखबार पढ़े जाते हैं, अखबार कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्ता को छिपा दिया गया है और कर्म को ही क्या बना दिया गया है, संज्ञा के स्थान पर रख दिया गया है। और जब कर्म को संज्ञा के स्थान पर रख दिया जाता है तो आपका क्या होता है, वो हमेशा कर्मवाच्य होता है। और प्रश्न में पूछा है कौन सा कर्तृवाच्य नहीं है, तो विकल्प बी आपका सही है, क्योंकि अखबार आपका क्या है, कर्म है, इसमें कर्ता नहीं दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, कर्मवाच्य से संबंधित कौन से वाक्य है, कर्मवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है। कर्मवाच्य, ध्यान रहे ये सकर्मक क्रिया से बनेगी, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया से बनता है। तो आइए देखते हैं, मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, किसान खेत जोत रहा है, और छात्र अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, छात्र अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सारा प्रभाव छात्र पर पड़ रहा है, ये कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है, हमें कर्म ढूंढना है। किसान खेत जोत रहा था, सारा प्रभाव किसान पर पड़ रहा है, ये भी आपका क्या बन गया, कर्तृवाच्य बन गया, ठीक है। मुझसे खाना नहीं बनाया गया और वृद्धा रोटी नहीं खा सकी, ठीक है। अब देखिए, मुझसे खाना नहीं बनाया गया और वृद्धा रोटी नहीं खा सकी,
तो मुझसे खाना नहीं, पहले ये देखते हैं, वृद्धा रोटी नहीं खा सकी। यहाँ पे जो खाने का प्रभाव पड़ रहा है वो वृद्धा पे पड़ रहा है, अतः ये भी आपका क्या बन गया, कर्तृ बन गया, जबकि मुझसे खाना नहीं बनाया गया। क्या नहीं बनाया गया, तो खाना नहीं बनाया गया, हमें उत्तर मिल गया, ठीक है। क्या नहीं बनाया गया, तो आपका खाना उत्तर मिल गया। और यहाँ पे देखते हैं जब कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा हो, तो यहाँ पे मैं के बाद से जुड़ा है जिसे मुझसे बन गया है, ठीक है। तो जब कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, अतः विकल्प ए आपका क्या है, सही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य है, कर्तृवाच्य में ढूंढना है। आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, वृद्ध से चला नहीं गया, लोगों से वह करोड़ दृश्य नहीं देखा गया, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा है। अब देखते हैं, पहला, आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, जब किसी भी संज्ञा के बाद से या के द्वारा जुड़ता है, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, ये कर्तृवाच्य बनता है। अगला देख लेते हैं, वृद्ध से चला नहीं गया, जब कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, से या के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, पहला वाक्य फिर से देखते हैं, आरा मशीन से लकड़ी काटी जा रही है, अर्थात ये क्रिया चल रही है, जब किसी भी संज्ञा के बाद अर्थात कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हमेशा किसमें, कर्मवाच्य में रहेगा, ठीक है। दूसरा विकल्प, वृद्ध से चला नहीं गया, जब कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा हो तो तुरंत वो क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा या भाव बन जाएगा, ठीक है। तो अगर क्रिया सकर्मक है तो कर्मवाच्य, अकर्मक है तो भाववाच्य। पहले में देखते हैं कि लकड़ी काटी जानी, क्या काटा जा रहा है, तो लकड़ी काटा जा रहा है, क्रिया सकर्मक है तो आपका वाक्य क्या बन गया, ये कर्मवाच्य बन गया। वृद्ध से चला नहीं गया, क्या नहीं चला गया, किसको नहीं चला गया, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः ये कैसा बन जाएगा, भाववाच्य बन जाएगा। लोगों से वह करोड़ दृश्य देखा नहीं गया, क्या नहीं देखा गया, करोड़ दृश्य, ये भी आपका उत्तर मिल जा रहा है, अतः ये भी कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि यहाँ कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ा है। अंतिम, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, अगर कर्ता के बाद ने, आप देख लीजिए परसर, तुरंत आप क्या कर दीजिए कि वो कर्तृवाच्य है। उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे इसे। आगे देखते हैं, किसमें कर्मवाच्य नहीं है, किसमें कर्मवाच्य नहीं है, कर्मवाच्य ध्यान रहे सकर्मक क्रिया से बनता है। महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, मोहन से रोया नहीं गया, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब देखते हैं, महिलाओं द्वारा, जब से या के द्वारा जुड़ता है तो या तो कर्मवाच्य बनेगा या तो भाववाच्य बनेगा, अगर क्रिया सकर्मक तो कर्मवाच्य, क्रिया अकर्मक तो भाववाच्य। तो देखते हैं क्या गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, ये सकर्मक क्रिया है, तो जाहिर सी बात है ये कर्मवाच्य बन गया, ठीक है। अगला, मुझसे पुस्तक नहीं पढ़ी गई, क्या नहीं पढ़ी गई, तो पुस्तक, हमें उत्तर मिल गया, ये भी आपका क्या बन गया, कर्मवाच्य बन गया। बच्चों द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ी गई, तो क्या नहीं पढ़ी गई, पुस्तक, आपका उत्तर मिल गया, ये भी आपका कर्मवाच्य, ये तीनों आपका कर्मवाच्य है, जबकि मोहन से रोया नहीं गया, क्या नहीं किया गया, तो रोया नहीं गया। हम यहाँ देखते हैं कि जो उत्तर मिल रहा है वो संभावित सही नहीं है, जब हमें क्रिया का उत्तर क्या और किसको प्रश्न करने पर नहीं मिलेगा, वो आपका कौन सा वाच्य बन जाएगा, वो भाववाच्य बन जाएगा, क्योंकि क्रिया क्या है, रोना अकर्मक है, ठीक है। अतः विकल्प बी आपका क्या है, सही है, क्योंकि प्रश्न में था कि किसमें कर्मवाच्य नहीं है, तो आपके विकल्प बी में कर्मवाच्य नहीं है, ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। अगला प्रश्न, किसमें भाववाच्य है, भाववाच्य ढूंढना है, अकर्मक क्रिया ढूंढ लीजिए, भाववाच्य जान जाएंगे। गर्मियों में प्रतिदिन नहाया जाता है, मैं अब और नहीं खेल सकता, विद्यार्थी देर तक पढ़ते हैं, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। नीचे से देखते हैं क्या सुनाया जाता है, कहानी, उत्तर मिल गया, ठीक है, एक कर्म बन गया। क्या पढ़ते हैं, तो पुस्तक, हमें संभावित उत्तर मिल सकता है, ये भी आपका क्या बन गया, उत्तर। और अब मैं खेल नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता, ठीक है, हमें उत्तर मिल गया, ये भी आपका कर्मवाच्य बन गया। जबकि क्या नहीं जाता है, तो यहाँ पे नहाना, हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, किसको क्या नहाया जाता है, उत्तर नहीं मिल रहा है, किसको नहाया जाता है, उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः आपका ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये आपका
भाववाची हो जाएगा, क्योंकि जो नहाना है ये आपका कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। उत्तर आप पुनः करके देख लीजिए, क्या नहाया जाता है? उत्तर नहीं मिला। किसको नहाया जाता है? उत्तर नहीं मिला। ठीक है, जबकि तीनों में देखिए क्या खेल अब मैं और नहीं खेल सकते। अब खेलना क्या खेल सकते हैं? उत्तर मिल सकता है, कोई भी खेल हो सकता है। ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं? उत्तर कोई संभावित उत्तर मिल सकता है, पुस्तक हो सकता है। क्या सुनाई गई? तो यहाँ पे उत्तर आपका यहाँ दिया गया है, कहानी। तो जिसका जिसके ऊपर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाएगा, क्या और किसको करने पे, वो आपका सकर्मक बन जाएगा। अगर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो अकर्मक। अतः विकल्प ए आपका क्या है? सही है। नहाना आपका कैसे क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, उसके द्वारा पत्र लिखा गया। उसके द्वारा पत्र लिखा गया किस वाच्य का उदाहरण है? तो देखते हैं कर्त, कर्म, भाव या कोई नहीं। तो पहले ये देखते हैं कि उसके द्वारा, अब यहाँ देख रहे हैं से या के द्वारा जुड़ गया है, तो या तो ये कर्म होगा या तो भाव होगा। ठीक है, तो देखते हैं लिखना, क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। अगर क्या और किसको प्रश्न करने पर क्रिया के साथ उत्तर मिल जा रहा है तो आपका वो सकर्मक क्रिया होगा, और सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा कौन सा वाच्य बनता है? कर्मवाच्य बनता है। अतः विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न, कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रयोग होता है? अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक व सकर्मक या कोई नहीं। तो हमने बताया था कि कर्तृवाच्य में सदैव अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, जबकि कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। ये आए हुए प्रश्न है कि कर्तृवाच्य में किस क्रिया का प्रभाव होगा, वो प्रयोग होगा, तो अकर्मक व सकर्मक। अतः विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म को छोड़कर अन्य से हो, वह क्या कहलाता है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं। तो हमने बताया कि जिस क्रिया का संबंध कर्ता व कर्म से नहीं होगा तो सीधा क्या बन जाएगा? भाववाच्य बन जाएगा, क्योंकि वो अकर्मक क्रिया से बनती है। अतः विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न, रमेश से हंसा गया में कौन सा वाच्य? कर्तृ, कर्म, ए व बी दोनों या भाववाच्य? तो हंसना, पहले हम देखते हैं क्या हंसा गया, उत्तर नहीं मिला। किसको हंसा गया, उत्तर नहीं मिला। अगर ये दोनों प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया कैसी हो गई? अकर्मक हो गई। और ये अकर्मक क्रिया अगर है तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग सदैव किस वाच्य में होता है? भाववाच्य में होता है, जबकि सकर्मक क्रिया का प्रयोग सदैव किस में होता है? कर्मवाच्य में होता है। अतः विकल्प डी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न, भाववाच्य की क्रिया सदैव कैसी होती है? भाववाच्य की क्रिया सदैव कैसी होती है? अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन, अन्य पुरुष पुल्लिंग बहुवचन, मध्यम पुरुष पुल्लिंग बहुवचन या अन्य पुरुष स्त्रीलिंग एकवचन। तो हमने बताया था कि भाववाच्य की क्रिया सदैव अन्य पुरुष में होती है और वो सदैव पुल्लिंग होगी और एकवचन में होगी। ठीक है, भाववाच्य की क्रिया न अकर्मक होगी न सकर्मक होगी, तो ये अन्य में होगी सबसे पहली पहचान, और ये हमेशा पुल्लिंग में होती है क्योंकि ये तटस्थ होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, और ये सदैव किस कितने वचन में होगी? एक वचन में होगी। अतः विकल्प ए आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न, बालक पत्र लिखता है का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? किसमें बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। बालक पत्र लिखता है का वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य में क्या होगा? तो हमने बताया था कि कर्मवाच्य बनाते समय क्या करेंगे, कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ देंगे तुरंत। तो बालक के द्वारा कर दीजिए, पत्र को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है। उसके बाद मूल क्रिया में यानी लिख, आपका मुख्य मूल क्रिया लिख हो गया, इसे भूतकाल में बदल दीजिए, लिखा हो गया। बालक पत्र लिखा, ठीक है, बालक के द्वारा पत्र लिखा। ठीक है, अब पहले विकल्प देख लेते हैं तब बनाते हैं। बालकों ने पत्र लिखा, बालकों से पत्र लिखवाया गया, और बालकों द्वारा पत्र लिखा गया या कोई नहीं। अब देखते हैं, बालक पत्र लिखता है तो सबसे पहले कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़ना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, बालक के बाद से या के द्वारा में से, यहाँ पे देखिए से जुड़ा है, यहाँ द्वारा जुड़ा है, दोनों में से एक ही सही होगा। ठीक है, तो
लिखवाना ये तो नाम धातु क्रिया है, अतः ये विकल्प तो ऐसे गलत हो गया। बालक ने पत्र लिखा, यहाँ कर्ता के बाद ने पर सर लगा, ये कर्तृ बन जाएगा, कोई नहीं वैसे कट गया। अब विकल्प सी को लेके चलते हैं। देखिए कर्ता के बाद से या के द्वारा जुड़ लिखा है, बालक द्वारा हो गया, पत्र को जैसे का तैसे हमने कर दिया, मूल धातु को हमने क्या कर दिया, भूतकाल में कर दिया। तो जब ये भूतकाल में हो गया तो हमारी जो क्रिया होगी, हमने कहा था कि जब ये भूतकाल में होगा तो क्रिया के बीच में वैसे हम क्या जोड़ते थे, जा जोड़ते थे, लेकिन जब क्रिया भूतकाल में होगी तो बीच में क्या जोड़ेंगे, गा जोड़ेंगे। ठीक है, अब लिखा हो गया, हमने गा जोड़ा था, अब जब ये भूतकाल में है तो ये भी भूतकाल में बनाना पड़ेगा, यानी ता परिवर्तित होकर या में बदल जाएगा। अतः बालकों द्वारा पत्र लिखा गया, ये विकल्प सी आपका सही है। ध्यान रहे काल को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे भी इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। बच्चों द्वारा खेला जाएगा का कर्तृवाची बनाना है, बच्चों से खेला जाएगा का कर्तृवाची में परिवर्तन करना है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलेंगे, बच्चों के द्वारा खेला जाएगा, कोई नहीं। तो हम सबसे पहले पहचान लेते हैं वाक्य, जाएगा भविष्यत काल में है। ठीक है, तो भविष्यत काल में ही बनेगा। अब देखिए कौन कौन सा कटा, विकल्प ए कट गया, विकल्प डी कट गया, जाएगा जाएगा दोनों भविष्यत में है। अब देखते हैं बच्चों से खेला जाएगा, कर्तृवाच्य बनाते समय कर्ता के बाद लगा हुआ परसर्ग यानी से या के द्वारा को हम हटा देते हैं, तो बच्चों से बच्चे बन जाएगा तुरंत। ठीक है, प्लूरल ही रहेगा। खेला है आपका, ये भूतकाल में है, ला आपका हटा के ये खेल बन जाएगा तुरंत, खेल, क्योंकि भूतकाल से बदल देते हैं। जाएगा है, ठीक है, जाएगा अगर लिखा है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे गे जोड़ देंगे, अर्थात बच्चे खेलेंगे, बच्चों से खेला जाएगा, कर्तृवाची क्या बनेगा, बच्चे खेलेंगे। विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो आप पुनः थ्योरी को ध्यान से देखिएगा। आप जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे आपके लिए अभ्यास प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अगर आप अभ्यास प्रश्न थ्योरी देख लिए हैं तो अभ्यास प्रश्न आप स्वयं कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब कौन कौन सा विकल्प है, मैं खाना खाता हूँ, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, दोनों या कोई नहीं। तो आइए देखते हैं, परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले आप कर्ता के बाद से या के द्वारा जोड़िए। तो मैं खाना खाता हूँ, प्रभाव मैं पे पड़ रहा है, एक कर्तृ बन गया, ये गलत हो गया। ठीक है, जब एक गलत हो गया तो दोनों का विकल्प वैसे कट जाएगा और कोई नहीं भी वैसे कट जाएगा। अतः विकल्प बी को लेके हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने में, मैंने को हमने क्या किया, मेरे के बाद द्वारा जोड़ दिया, से या के द्वारा में से मेरे द्वारा हो गया। खाना को खाना रख दिया गया, खाया है, ठीक है, हमें कर्म बनाना है, तो दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, जा जोड़ देंगे। ठीक है, अब जा जोड़ देंगे, उसके बाद खा को, खा आपका मूल रूप है, खा को भूतकाल में बदलेंगे, खाया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर जा लिखा है, जा के अंत में ता है कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, ये कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रहे ज़रूरी नहीं आपका यही आप काल में परिवर्तित कर सकते हैं, आप इसे वर्तमान भूतकाल में भी बदल सकते हैं, मेरे द्वारा खाना खाया गया कर सकते हैं, वो भी आपका क्या रहेगा, कर्मवाच्य में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विकल्प में वर्तमान काल के अंतर्गत दिया गया है, तो विकल्प भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अपने, आपने चिट्ठियाँ लिखी होंगी का वाच्य परिवर्तन कर्मवाच्य में करना है। ठीक है, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, तो विकल्प देखते हैं, आप चिट्ठी लिखते हैं, आपके द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, दोनों या कोई नहीं। तो आप चिट्ठी लिखते हैं, लिखने का प्रभाव आप पर पड़ गया, विकल्प ए आपका कट गया। जब विकल्प ए कट गया तो दोनों कट गया और कोई नहीं भी कट गया, विकल्प बी लेके चलते हैं। आपने चिट्ठियाँ लिखी होंगी, ठीक है, आपके बाद से या के द्वारा जोड़ दीजिए, आपके द्वारा, चिट्ठी को जैसे का तैसा रख दीजिए, लिखी जाती, लिखी होंगी, ठीक है, अब लिखी को जैसे का तैसा कर दीजिए, भूतकाल में ऑलरेडी है, ठीक है, अब यहाँ होंगी है, इसी को जाती है कर दिया गया, यानी इसे काल परिवर्तन कर दिया है। काल परिवर्तन करने के बाद यहाँ से या के द्वारा जोड़ के क्या कर्म बना दिया है, कर्मवाची बना दिया है। हमने आपको बताया है कि काल परिवर्तन आप कर सकते हैं, आपके द्वारा चिट्ठियाँ लिखी गई, ये भी आपका कर्मवाची बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि वर्तमान काल में बना दिया है, बस आपको क्या करना था, यहाँ से या के द्वारा जोड़ देना था। ठीक है, और मुख्य क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित करना रहता है, और उसके बीच में
जाति जा जोड़ देते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, अमित से दौड़ा नहीं जाता है का वाच्य परिवर्तन कर्तृवाच्य में करना है। ठीक है, अमित से दौड़ा नहीं जाता है, अमित नहीं दौड़ता है, दोनों या कोई नहीं। तो अमित से दौड़ा नहीं जाता है, ये तो वही वाक्य ही हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब दोनों भी कट गया, कोई नहीं भी कट गया, अमित नहीं दौड़ता है। हम क्या करते हैं बनाते समय, कर्ता के बाद जो आपका लगा रहता है परसर्ग उसे हटा देते हैं, तो से हमने हटा दिया, अमित के बाद अमित रहेगा। ठीक है, अब नहीं को हमने पहले कर दिया और क्रिया दौड़ा भूतकाल में था, भूतकाल को हटा के दौड़ बना दिया हमने, जा को यहाँ से हटा दिए ता बच गया, दौड़ता हो गया और है जैसे का तैसा जोड़ दिए। अतः विकल्प भी आपका क्या है, अमित से दौड़ा नहीं जाता है कि कर्तृवाच्य बनेगा, अमित नहीं दौड़ता है। अगला प्रश्न, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है में कौन सा वाच्य करना है। तो देखते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, क्या रक्षा की जाती है हमें उत्तर नहीं मिला, किसकी रक्षा की जाती है, हमारी रक्षा की जाती है, हमें उत्तर मिल गया। ठीक है, और जब हमें उत्तर मिल जाता प्रश्न करने पे, तो सदैव कौन सा वचन होता है, वो कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, माफ कीजिएगा, ये वाच्य क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अतः विकल्प बी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, कौन सा कर्तृवाच्य नहीं है, नहीं ढूंढना है। सीता पुस्तक पढ़ती है, रमा सितार बजाती है, वह पत्र लिखता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, क्रिया का प्रभाव सीता पर पड़ा, कर्तृवाच्य, क्रिया का प्रभाव रमा पर पड़ा, कर्तृवाच्य, कौन पढ़ती है, सीता पढ़ती है, कौन बजाती है, रमा बजाती है, कौन लिखता है, वह लिखता है, सारा प्रभाव कर्ता पर पड़ गया। लेकिन कौन पढ़ता हमें उत्तर नहीं मिलेगा क्योंकि कर्ता छिपा दिया गया है, और क्या पढ़ा जाता है, पुस्तक पढ़ा जाता है, कर्म को ही कर्ता के स्थान पर रख दिया गया है, अतः यह कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, कौन सा कर्तृवाच्य नहीं है, तो विकल्प डी आपका कर्तृवाच्य नहीं है। अगला प्रश्न, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया का कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है। तो देखते हैं, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, प्राचार्य द्वारा आज गाया गया गीत मधुर था, आज प्राचार्य गीत को गाएंगे। तो देखते हैं, कर्तृवाच्य बनाना है तो सबसे आसान तरीका हमने बताया है कि अगर कहीं पर आप देखिए संज्ञा के बाद या कर्ता के बाद ने पर सर्ग लगा हो तो आप तुरंत उसे कर्तृवाच्य मार दीजिए। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, अब प्राचार्य के बाद ने लग गया है, यही आपका क्या है, विकल्प भी सही है। इस प्रश्न का विकल्प भी आपका सही है, कैसे बना, देखिए, आज प्राचार्य के बाद द्वारा हटा दिया गया तो आज प्राचार्य हो गया, यहाँ पर ने लगा दिया गया, मधुर गीत को मधुर गीत रख दिया गया। ठीक है, गीत गाया गया, ठीक है, गाया गया, या अब भूतकाल हटा दिया गया यहाँ से, और यहाँ से गा हटा दिया गया तो गाया बच गया। ठीक है, अगर विकल्प भी आपका क्या है, सही है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं होगा, नहीं ढूंढना है, तो इसमें अकर्मक क्रिया होगी वही आपका कर्मवाच्य नहीं होगा, उससे खाना नहीं खाया जाता, खाया गया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, दो व्यक्तियों द्वारा क्षमा याचना की गई, क्या नहीं खाया गया, खाना, क्या नहीं पढ़ा गया, पुस्तक, क्या किसकी याचना की गई, क्षमा की याचना की गई, हमें सब में उत्तर मिल जा रहा है, लेकिन क्या हंसा गया, नहीं उत्तर मिला, किसको हंसा गया, नहीं उत्तर मिला, अतः विकल्प सी आपका सही है, क्योंकि हंसना कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अतः यह कैसा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, और प्रश्न में कहा है कौन सा कर्मवाच्य नहीं है, तो विकल्प सी आपका सही है। अगला प्रश्न, क्या वे लिखेंगे का भाववाच्य क्या होगा, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या वे लिख सकते हैं, क्या वह लिखेगा, क्या वे लिख सकेंगे, अब देखते हैं, क्या वह लिखेगा प्रश्न पूछ रहा वैसे गलत होगा, क्या वह लिख सकेंगे ये भी प्रश्न पूछ रहा वैसे ही गलत हो गया, अब या तो ए या तो बी, क्या उनसे लिखा जाएगा, क्या वे लिख सकते हैं, क्या वे लिख सकते हैं ये भी प्रश्न कर रहा है, क्योंकि संज्ञा के ठीक बाद आपको से या के द्वारा जोड़ना था, कहीं पर भी संज्ञा या कर्ता के बाद से या के द्वारा लगा रहे तो तुरंत समझ जाइए या तो कर्मवाच्य है या तो कर्तृवाच्य है, अगर क्रिया अकर्मक तो आपका भाववाच्य, अगर क्रिया सकर्मक तो आपका क्या बनेगा, वो कर्मवाच्य बनेगा। ठीक है,
अब विकल्प ए आपका क्या होगा यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्तृवाचक का चयन करना है, निम्न में से कर्तृवाचक का क्या करना है, चयन करना है। पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, रावण ने सीता का हरण किया, छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई, दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। अब देखिए कर्तृवाचक का चयन करना है हमें, तो सीधी बात, अगर संज्ञा या कर्ता के बाद आप निपसर्ग देखिए तुरंत आप क्या कर दीजिए, कर्तृवाची मार दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। अगर कर्ता के बाद निपसर्ग लगा है तो आप तुरंत क्या कर दीजिए उसे कि वो कर्तृवाची है। बाकी तीन कैसे नहीं है, छात्र के बाद से या के द्वारा जुड़ा है, ठीक है, नहीं बनेगा। दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है, दरवाज़ा संज्ञा नहीं है, कर्म को ही संज्ञा के स्थान पर रख दिया गया है, अतः यह भी गलत है, ये कर्तृवाची नहीं बनेगा। पुस्तक अलमारी में रखी है, यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है, कर्म को ही कर्ता के स्थान पर रख दिया गया है, अतः यह भी गलत है। जबकि रावण कर्ता है, वो कर्ता के बनने पर सर लग गया है, अतः ही कैसा वाच्य हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है, अतः विकल्प बी आपका सही है। अगला प्रश्न, अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं, अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कौन आते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, बी व सी। तो ध्यान रखिएगा इसका विकल्प गलत हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, आप कर दीजिए कर्तृवाच्य के स्थान पे कर्मवाच्य, इसे आप पढ़ते समय ध्यान में रखिएगा कि कर्तृवाच्य के स्थान पे कर्मवाच्य कर दीजिए। अब अकर्तृवाच्य के अंतर्गत ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य किसके अंतर्गत आएंगे, अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आया होगा, यदि इसमें ऐसा कुछ भी हो जो आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसे आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी यदि आपने थ्योरी ना देखी हो तो आप थ्योरी को ज़रूर देखिएगा वाच्य का, ताकि आप आसानी से अभ्यास प्रश्न को कर ले जाएँ, नहीं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। इसके बावजूद अगर आपको इसमें ऐसा कुछ भी लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।